आए दिन मस्जिदों के भोंगे को लेकर राजनीति में भूचाल आया है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे द्वारा दिए गए अल्टीमेटम को लेकर आज समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव एजाज खान ने राज ठाकरे को इन्हें खुली चुनौती देकर धर्म के चश्मों से देखना बंद करें ऐसी नसीहत भी दे डाली है। आइए देखते हैं। समूचे भारत में मस्जिदों के लाउडस्पीकर भोंगे को लेकर काफी राजनीति की जा रही है। मनसे प्रमुख ने सरकार को मस्जिदों से भोंगे निकालने का अल्टीमेटम दिया है। पूरे भारत और महाराष्ट्र में सियासत अपनी चरम पर है। इस राजनीति के पीछे जातीय दंगल कैसे किया जाए और देश में अराजकता को कैसे फैलाया जाए, इस पर काम हो रहा है। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव एजाज खान ने देश में हो रही राजनीति को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं। मैं ये बताना चाहता हूं सबसे पहले कि कल की सभा में राज ठाकरे साहब ने जिस लैंग्वेज का दुरुपयोग किया, जिस बात का उन्होंने बार बार जिक्र किया कि मस्जिदों से लाउड स्पीकरों को उतारना चाहिए और अगर 3 तारीख तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं उतारे गए तो हनुमान चालीसा जोर जोर से पढ़ा जाएगा। मैं खुद हनुमान चालीसा पढ़ने का स्वागत करता हूं और ये बताना चाहता हूं कि जिस तरीके की नफरत की राजनीति इस देश में फैलाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से एक विशेष मजहब के धर्म को निशाना बना के राजनीति की जा रही है, ये देश को गलत रास्ते पे ले जाने का एक तरीका है। राज ठाकरे साहब, आपकी आंखों पे या तो काली पट्टी बंधी हुई है या आपने किसी संगठन, हिंदुत्ववादी संगठन से सुपारी लेके ये मुद्दे को उठाया है। मैं चैलेंज के साथ, दावे के साथ कहता हूं कि आरएसएस ने आपको मस्जिदों के स्पीकरों को हटाने की सुपारी दी है, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा उछला, गुजरात में स्कूलों की किताबों में गीता का पाठ कराया जाएगा ये मुद्दा उछला, अब महाराष्ट्र की बारी लाई। यहाँ महाराष्ट्र की जो सरकार है ये बड़े अमन सुकून से, भाईचारे से और निष्पक्ष तरीके से, गैर जानिबदाराना तरीके से, हर धर्म और जाति और मजहब को लेकर चलने के तरीके से न्यायपूर्ण कार्य कर रही है, न्याय का काम कर रही है और देश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर में हर तरीके से अमन और सुकून और शांति बनी हुई है, भाईचारा कायम है। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सब मिलजुल कर रह गए हैं, परंतु राज ठाकरे एक घिनौना कार्य कर रहे हैं, दो धर्मों के बीच नफरत फैलाने का कार्य कर रहे हैं और पूरे मस्जिदों से स्पीकरों को हटाने की धमकी दे रहे हैं। हम उनकी धमकी को भी स्वीकार करते हैं और ये बताना चाहते हैं, राज ठाकरे साहब अपने आंखों पे से काली पट्टी हटाइए और ये देखिए कि मस्जिदों के अलावा कितने मंदिरों के ऊपर में भोंगे लगे हुए हैं, कितने बुद्ध विहारों पे भोंगे लगे हुए हैं, कितना गिरजाघरों पे भोंगे लगे हुए हैं और कितने गुरुद्वारों पे भोंगे लगे हुए, वो भी तो आप देखिए। सिर्फ अजान से ही आपको खलल पड़ रहा है, बाकी ये जितने भी धार्मिक आधारों के ऊपर में मस्जिद लगे हुए हैं इससे आपको दखल नहीं पड़ रहा है, आपको इनसे आपको तकलीफ नहीं हो रही है। अगर आप वाकई में ये चाहते हैं कि ध्वनि प्रदूषण ना फैले तो सभी धार्मिक स्थलों से आपको भोंगों को हटाना पड़ेगा, नहीं तो आप अपना भोंगा बंद कीजिए और सुपारी लेके काम करना बंद कीजिए। हम आपको चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ मुसलमान और मस्जिदों को ही निशाना बनाएंगे तो हम आपको ये महाराष्ट्र के अंदर में नागपुर शहर में पैर नहीं रखने देंगे, ये हमारा चैलेंज है आपको। 2014 में जब से भाजपाई सरकार आई है तब से बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ा है, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के मुद्दे पर कोई बात नहीं करता। बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुंच गई। 2012-13 के अंदर में अरविंद केजरीवाल
और अन्ना हजारे जी ने महंगाई के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आंदोलन किए। मैं आज इनसे ये कहना चाहता हूँ कि आज देश का युवक रोजगार के लिए भटक रहा है, महंगाई आसमान को छू रही है। हमारा जो महंगाई का रेशियो है वो आज 10 पॉइंट के अबव जा चुका है। तो देश के ये नेता लोग खामोश बैठ चुके हैं। राज ठाकरे साहब, मैं आपसे फिर एक दफा से गुजारिश कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ आपसे कि आप ये धर्म के मुद्दे के ऊपर में, जात पात के मुद्दों को नज़रअंदाज कीजिए, इनको छोड़िए, इनकी आज़ादी इनको दे दीजिए। अगर वाकई में आप नेता है और अगर आप गरीब ये नेता बनना चाहते हैं तो आप महाराष्ट्र के अंदर में जो बेरोजगारी है और जो महंगाई है इसके ऊपर में आवाज उठाइए, हम आपका साथ देंगे। आगे बात करते हुए एजाज खान ने कहा कि राज ठाकरे, आप धर्म की राजनीति ना करें, आप महाराष्ट्र की महंगाई बेरोजगारी पर आवाज उठाएं और अपनी लैंग्वेज का दुरुपयोग ना करें। राज्य में भाईचारा कायम है लेकिन राज ठाकरे घिनौना काम कर रहे हैं। यदि राज ठाकरे अपने बयानों से बाज नहीं आए तो उन्हें नागपुर नगरी में पांव नहीं रखने देंगे, ऐसी चेतावनी भी इस दौरान एजाज खान ने दी। आए दिन हर कोई पार्टी के नेता एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं जिसमें जनता को इतनी गंदी राजनीति का सामना करना पड़ रहा है। इस देश की जनता अमन शांति, बेरोजगारी और महंगाई से दूर रहना चाहती है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन हिंदुस्तान हमारा। राजकुमार मोहोड़ के साथ संजय मिरे, NBC न्यूज़ नागपुर।